चिकन ही है ना? हाँ अपन तो इंडियन है, चिकन ही है ये भाई, चिकन टिक्का टाइप। और ये है भाई कुछ, आज हम भाई मोमोस है बांग्लादेश की स्ट्रीट फूड मार्केट में रात के 9 बजे ट्राई कर रहे हैं भाई। रात के 12 बजे हम लोग घूम रहे हैं, थोड़ा सा डर भी लग रहा है बट यहाँ पर भाई फ्राइडे को छुट्टी रहती है भाई। इधर की ऑथेंटिक कोई डिश है, क्या नाम है? और अभी भाई देखो रात के 11 बजे पैडल रिक्शा के ऊपर हम लोग। अरे भाई साहब आपका नाम की, ये क्या हो रहा है? ये चलते चलते कुछ ऐसे एरिया में आ गए हैं। ये फ्राई मोमोज भी भाई ने मंगा लिए, भाई को मोमोज वैसे पसंद आ गए पैक हुए, स्टीमिंग चल रही है। और फ्राई वाले किधर है? ये इस साइड देखोगे तो ये झील है सामने भाई, इसमें ब्रिज है भाई। ये फ्राई वाले खाने हैं तो इस साइड आओ, और दूसरे खाने हैं जो स्टीम वो इधर खाओ। जेट्टी आपको सामने दिख रही होंगी। सो हे गाइस वेरी गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू व्लॉग के अंदर। सो फिलहाल अभी मैं अपने होस्ट के घर से, ये मेरे होस्ट है भाई, आपका नाम? राकिब, राकिब भाई हैं और इनके यहाँ पर हम भाई रह रहे हैं। कल आया था मैं मानव भाई के यहाँ से, वो मेरे सबसे पहले होस्ट थे जो कि ढाका सिटी के अंदर। और अभी हम जा रहे हैं भाई नाइट लाइफ यानी कि खाना पीना जो स्ट्रीट फूड है भाई बांग्लादेश ढाका का, उसको देखने के लिए। और अभी जो मेरे बाल हैं भाई इसको कटाने वाले हो गए हैं काफ़ी, 1 से 1.5 महीना हो गया भाई कोई कटिंग वटिंग नहीं कराई जब से पंजाब से आया हूँ। बाकी चलते हैं अभी ढाका सिटी, और ढाका सिटी में तो है ही है, ढाका का जो मेन एरिया है यहाँ से, ये मेन एरिया है कारवान बाज़ार है, यहाँ से ऑलमोस्ट 600 मीटर की दूरी पर है। उसका ब्लॉग भी आपको कल देखने को मिलेगा, वो काइंड ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट वेजिटेबल मार्केट है अपना ढाका सिटी का, तो उसको कल देखेंगे। बट अभी हम जा रहे हैं भाई इधर का जो स्ट्रीट फूड है उसको ट्राई करेंगे, और थोड़ी सी नाइट लाइफ है वो देखते हैं, आपको दिखाते हैं भाई ढाका नाइट में सेफ है कि नहीं है। क्यों भाई सही है कि नहीं? सो भाई ये देखो अभी निकलते ही, वैसे ये बिल्डिंग के पास रह रहे हैं, हाँ अभी हम लोग पहले ATM जा रहे हैं, पैसा वगैरह भी तो ज़रूरी है भाई खाने पीने के लिए। भाई बोल रहे हैं हम निकालेंगे बट मेरे पास पैसे रखे हुए हैं तो मैं पे कर दूंगा खाने पीने का, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाई के यहाँ पर रह रहे हैं तो खाना पीना तो हम भाई कर ही सकते हैं, है ना? तो आप भी कभी इंडिया हो तो मेरे को इन्फॉर्म करना, आपका भाई ठिकाना लगाएंगे तो रहने के लिए। सो भाई ये मेट्रो लाइन है मेरे घर के पास नहीं, मेरे होस्ट के यहाँ पर रहते हैं उनके पास में ये मेट्रो लाइन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और चल रहे हैं भाई अभी। ऐसा सीन है कुछ रात का भाई, चेक करो कैसा अभी भाई। ये है भाई बांग्ला मोटर चौराया, यानी कि अपन तो चौराया ही बोलते हैं। और यहाँ पर भाई देखो रिक्शा वगैरह काफ़ी चल रहे हैं अभी, और ये बस भाई ऐसे ही चलती है, कहीं भी ठोक देगी किसी को कोई आइडिया नहीं है अपने भाई सेफ्टी। ये देखो भाई अभी बाइक आ गई, और भाई साहब भीड़ चेक करो, ट्रैफिक भाई ट्रैफिक, अरे भाई साहब भाई क्रेजी है क्रेजी, अरे अरे ठोका ठोका भाई साहब ये नहीं रुकते। अभी हम जा रहे हैं दूसरे ATM में, पहला ATM तो भाई उसका सर्वर डाउन था, अभी दूसरा ATM ढूंढ रहे हैं भाई। इधर क्रेजी भीड़ है भाई रात को यहाँ पर, अभी ऑलमोस्ट टाइम अगर बताऊँ तो टाइम चेक करो भाई कितना है, 8:40 हो रहे हैं, और भाई इधर की हलचल देख लो कैसी है। तो भाई अपनी इंडिया में तो जैसे संडे को छुट्टी होती है, तो इधर देखो संडे को कोई छुट्टी नहीं है, ये 2023 का कैलेंडर है मई, यहाँ पर भाई फ्राइडे को छुट्टी रहती है और मे बी सैटरडे को भी थोड़ी बहुत छुट्टी, मतलब फ्राइडे सैटरडे हॉलीडे, हाँ फ्राइडे सैटरडे इनकी हॉलीडे रहता है। लाल देखो इधर लाल बना हुआ है, तो मे बी ये सारा का सारा छुट्टी, जैसे अपने इंडिया में संडे रहता है इनके, फ्राइडे को मेन जो छुट्टी है वो है, और सैटरडे को भी इनके हॉलीडे रहता है, और मंडे को इनको स्कूल भी जाना है और कॉलेज है जो भी है सब सिस्टम है इनका, ऑफिस वगैरह सब भाई संडे को भी इनका चलता है। ढाका सिटी के अंदर आपको ऐसे जो ओवर ब्रिज है यानी कि फुट ओवर ब्रिज है काफ़ी देखने को मिलेंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो है पॉपुलेशन काफ़ी है, और भाई इधर से अगर रोड क्रॉस करती रहेगी अगर जनता तो इधर लग जाएगा ट्रैफिक, इधर गाड़ियाँ भी बहुत चलती हैं और बंदे भी बहुत हैं, तो इसलिए भाई बांग्लादेश के अंदर आपको काफ़ी जगह, खास करके ढाका सिटी में तो आपको भाई फुट ओवर ब्रिज है काफ़ी जगह पर देखने को मिलेंगे, मतलब हाँ वो बीच में रेलिंग लगा रखी है कि भाई कर ही नहीं सकते, तो वही है बेसिकली इसी से ही हमको जाना पड़ेगा क्रॉस करके, तो ये सिस्टम रहता है भाई बांग्लादेश के अंदर। भाई नाइट लाइफ तो देखने के लिए आए थे, और साथ में यहाँ पर भाई स्ट्रीट फूड है उसको भी ट्राई करेंगे रात के अंदर ढाका सिटी में, ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं भाई रात के, देखते हैं इधर भाई खाने के लिए क्या क्या सिस्टम है भाई, देखने में तो वाइब तो भाई एक नंबर आ रही है, दिल्ली ऐसी वाइब आ रही है पूरी ऐसा लग रहा है दिल्ली के अंदर ही भाई कहीं फिर रहे हैं।
ओ भाई ये क्या गेम वेम चला रहा है कोई, ये आलू के कुछ सिस्टम है भाई। अभी हम लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं स्ट्रीट फूड में मोमोस। मोमोस भाई इंडियन लड़कियों को काफी ज्यादा पसंद है और नेपाल में जा जाके ट्राई करने की सोचते हैं। आज हम भाई मोमोस है बांग्लादेश की स्ट्रीट फूड मार्केट में रात के 9 बजे ट्राई कर रहे हैं। भाई ये है इधर मोमो और ये भाई दादा अपने मामा। यहाँ पर भाई स्टीम्ड मोमो है जो है 100% के, 100% फ्री हो गया। चीज मोमो 120 कुछ ऐसे, और फ्राई जो अपने इंडिया में बहुत खाते हैं भाई, फ्राई मोमो है 120% के, जो इंडियन प्राइस है वो मैं लिख दूंगा। तो मामा स्टीम मोमो लगा दो, स्टीम मोमो एक प्लेट। हाँ और ये क्या इसके अंदर है क्या मोमोस? हाँ भाई ये देखो ये रखे हुए हैं, स्टीमिंग चल रही है। और फ्राई वाले किधर है? फ्राई वाले वही तरफ। अच्छा इस साइड है। ओ भाई फ्राई वाले खाने हैं तो इस साइड आओ, और दूसरे खाने हैं जो स्टीम वो इधर खाओ। खाते हैं भाई, टेस्ट करते हैं। और ये भाई साहब हमारे साथ थे जो ये पिज्ज़ा सुबह ही खा गए हैं और अभी हमारे साथ बस ऐसे ही घूमने के लिए आए हैं, और ये इनको हम ट्राई कराएंगे अपने में से खाना है, बाद में मना नहीं करने लगना जब आ जाए। 100% में कितना कितना मोमोज आएगा मामा? 100% में कितना मोमो? 6 मोमो, 3-3 हो गया। अच्छा ये लिखा हुआ है भाई स्टीम मोमो, 6 पीस आएगा भाई। करते हैं भाई इसको ट्राई। और कुछ भाई फ्राई में? भाई ये भाई फ्राई ऐसा है कुछ यार, ये सिस्टम देखो क्या पता भाई क्या है। और स्टीम भाई इधर स्टीम हो रहे हैं, और ये बगल में इधर भाई कुछ सिस्टम है पूड़ी उड़ी का। ये भाई बंगाली के अंदर लिखा है, हमको कुछ बंगाली आती नहीं है। ये क्या हो रहा है? फिश मोमो मोमो हाँ अच्छा मोमो खा के ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं भाई। बहुत जाने बोल रहे हैं काफी अच्छा है। अच्छा ये भाई साफ सफाई की प्लेट लेट लगा दी है। ये आ गई भाई केचप, ये हमारा लग रहा है जी। ये लो भाई ये आ गई हरी चटनी। वाह ऐसे मैं फूड ब्लॉगर बन गया यार पता नहीं क्यों। ये है भाई या हा आने दो भारत पंजाब है। अच्छा हमको भी अच्छा लगा मिलके, मिले तो नहीं पर अच्छा लगा। इंडिया में तो भाई काफी ट्राई किया है, आज भाई बांग्लादेश के मोमो ट्राई करते हैं। आ ये भाई ये आ गए कांटा। ये लो जी भाई कहाँ रखे क्या इधर? सिट डाउन नहीं, इधर रखते हैं पहले। अच्छा जी भाई आ गए भाई, अभी इसको ट्राई करते हैं। ये है ये आई ना बात, करो ट्राई करो, आप करो ट्राई, करो ट्राई। हाँ करो भाई, क्या हाल है इसके मेरे को पहले ये बताना है। I'm not used to eat momos, so it's not my game. चलो I can try but I cannot recommend anyone, but I इंडियन लड़कियों को बहुत पसंद है मोमोज खाने वाले, क्योंकि वो उनको प्यार है इनसे। कैसा है? हाँ अभी भाई मैं ट्राई करता हूँ, और मैंने इंडिया में ज़्यादातर फ्राई है वो खाए हुए हैं, मोमोज फ्राई मोमोज ज़्यादा खाता हूँ मैं। इंडिया के लोग हैं भाई एडवेंचर करते रहते हैं, और अभी भाई हम लोग हैं इसको खाएंगे भाई। ये है मोमो जो कि बांग्लादेशी स्टीम मोमो है। इस कौन सा वाला अच्छा आया इस दोनों से इसके साथ? तो भाई ये रेड वाली इसके साथ ट्राई करते हैं पहले। बहुत गर्म है, मेरे आंसू निकलने लग गए भाई, इतना गरम है भाई ने। टेक सम टाइम। ओ भाई साहब बहुत गरम है, मैं तो एक ही बार में खा गया। ओ भाई साहब अभी मेरे आंखों में देखो आंसू। टेस्ट अच्छा है बट गरम गरम हो गया, तो यहाँ और खाओ ना भाई। ये लो अभी भाई इसके बाद देखते हैं और क्या खाते हैं। अभी एक बार ग्रीन वाली के साथ आने दो, एक ही साथ जाने दो। भाई रेड वाला अच्छा है, ग्रीन वाले में भाई नहीं आया, और मेरे तो आंसू निकलने लगे गरम गरम खा के। आप तो खाओ भाई, मैं तो हो गया क्या? खाओ खाओ, हाँ मैं भी लेता हूँ अभी भाई इसको निपटा के, और किसी दुकान पे चलते हैं भाई। लाल दे दो, लाल सॉस का।
अभी ये फ्राई मोमोज भी भाई ने मंगा लिए। भाई को मोमोज वैसे पसंद आ गए, पहले तो ये कह रहे थे कि हम नहीं खाएंगे, और ये भाई हमको मिले हैं, ये यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं मेडिकल की, है ना। तो ये है, आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र से। और ये भाई है वेस्ट बंगाल से, है ना। आपका नाम क्या? हसीन अहमद। और आपका? साद भाई। अच्छा लगा भाई आपसे मिलके, और इन्होंने काफी चीजें हमको सिखाई हैं जो कि हम आने वाले फ्यूचर व्लॉग्स में बताएंगे, जो कि थोड़ी रिस्पेक्ट करने वाली चीजें। हाँ, तो ये है चिकन टिक्का, तो ये भाई ने ऑर्डर किया था तो ये आया है, और ये भाई ने ये ऑर्डर किया ये आया, और मेरा वाला खा लिया, अभी मैं इनका खाऊंगा चोरी से। तो सबसे पहले करो भाई, कौन ट्राई कर रहा है? करो करो, आप ट्राई करो, मैं लूंगा तो फिर। चलो भाई, मैं ट्राई कर लेता हूँ, मैं मोमोस ही खा लेता हूँ भाई पहले। आप भी तो खाओ। ये यार चटनी तो बहुत कम डाली है, ये चटनी देखो, चटनी के नाम पे तो थोड़ी सी डाल दी है। ना ना ठीक है भाई, आंसू फिर से आने लग गए क्योंकि गरम गरम है। अभी ट्राई करो। मैं ट्राई करूँ? चिकन ही है ना? हाँ, अपन तो इंडियन है, चिकन ही है ये भाई, चिकन टिक्का टाइप का। और ये है भाई कुछ ग्रेवी इसके साथ। और ये फूड ब्लॉगिंग वगैरह मेरे से होती नहीं है, तो मैं तो जस्ट एज अ ट्रैवलिंग टाइप में करता हूँ, ट्राई कर रहे हैं भाई। ठीक है भाई, बिना हड्डी का मांस। सुबह ही अभी स्ट्रीट फूड से अपना खाना पीना नाश्ता वगैरह करके, नाश्ता क्या सुबह का नाश्ता नहीं, रात वाला स्ट्रीट फूड से, स्ट्रीट फूड वगैरह जो मार्केट थी उसको एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम जा रहे हैं हाथीर झील, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के अंदर अंदर है। एक रेलवे फाटक आएगा, मतलब क्रॉसिंग आएगी, उसको क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाएंगे भाई अपने इंडियन दोस्तों के साथ और बांग्लादेशी होस्ट के साथ हाथीर झील, जो कि आ जाएगी जल्दी। आपको झील दिखाते हैं भाई बांग्लादेश की कैसी है। अभी कुछ ऐसा भाई चल रहा है अपना, ये रोड वगैरह है भाई, यहाँ पर जो ट्रैवल करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इंडिया के किसी ना, बिल्कुल अपना इंडिया का कोई शहर है उसी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रिंक्स वगैरह है, क्या हो गया, हाँ गड्ढे अड्डे भी वैसे ही है, नहीं लेकिन सेम है, मतलब सेम है इंडिया। और भाई यहाँ पर ड्रिंक्स वगैरह भी अपने काफ़ी इंडिया की तरह है, बस उसके ऊपर क्या है भाई, बंगाली लिखी हुई है, बंगाली भाषा यहाँ पर, बंगाली बोलते हैं कि बंगला बोलते हैं, बंगला अपने उधर वेस्ट बंगाल में बंगाली, हाँ हाँ वो सेम ही भाषा है, बस उसमें बंगला और बंगाली अलग अलग मतलब वर्ड प्ले हो जाता है। वो भाई इधर की गाड़ियाँ कुछ ऐसी हैं, मे बी आपने नहीं देखी हो सिटी में तो। और ये भाई एक जा रही है निशान की आगे, और नंबर प्लेट भी इधर इनके वो बंगाली में ही लिखे रहते हैं, बंदा बाहर से उसको कुछ समझ ही नहीं आया कि कौन चोरी करके भाग गया। अच्छा नहीं, ये भी न्यू है, देश इंडिपेंडेंस हुआ था। अच्छा, उसके पीछे तो लैंग्वेज ही मेन था ना। ओ हाँ, अब यहाँ पे कोई और लैंग्वेज डोमिनेंट होंगी तो वो ठीक नहीं रहे, जैसे पाकिस्तान इन पे इम्पोज कर रहा था उर्दू, इस चक्कर में इन्होंने जैसे ये लोग डोमिनेंट यही रखते हैं कि भाई बंगला में ज्यादातर काम। ठीक ठीक ठीक, चलते चलते कुछ ऐसे एरिया में आ गए हैं, यहाँ पर फिर से ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। इधर स्ट्रेट निकलना है क्या? स्ट्रेट भाई साहब, जहाँ पर तो यार 9:30-9:30 बज रहे हैं, ट्रैफिक चेक करो। अरे अरे अरे, ठुकी ठुकी ठुकी, अरे भाई 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 साहब, टफ है भाई, कितना टफ है यार, रोड क्रॉस करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 10 बज गए हैं पूरे, करेक्ट 10 बज गए हैं, 18 तारीख 6वां महीना। ये भाई इधर ट्रैफिक देख लो, वो भी रिक्शा ही रिक्शा भाई, चेक भाई 10 बजे भी ये हाल है भाई साहब। अपने जो शहर है वो वहाँ पर तो 10 बजे बंद होना लग जाता है। भाई का जो है हॉस्टल वगैरह है वो इस साइड है, वो आगे जो बिल्डिंग दिख रही है बड़ी वाली उसके अंदर, अभी किसी दोस्त को बुला रहे हैं मिलने के लिए, वो चंडीगढ़ से हैं। और भाई ट्रैफिक चेक करो भाई, अच्छा चलना है क्या उधर ही? तो भाई रात के अगर देखो तो 11 बजने वाले हैं, 15 मिनट रह गए हैं, और अभी हम झील की तरफ जा रहे हैं, जिस झील का नाम था हाथीर झील। अभी हम भाई के जो हॉस्टल है, हॉस्टल हाँ फ्लैट टाइप के यहाँ पर वो रहते हैं, उधर गए थे, और वहाँ पर भाई उनसे बात आत की, काफ़ी सारे दोस्त थे, एक चंडीगढ़ और हरियाणा से थे, और मतलब जितने भी भाई के फ्रेंड वगैरह थे। और अभी भाई देखो रात के 11 बजे पैडल रिक्शा के ऊपर हम लोग, अरे भाई साहब आपका नाम की अपना नाम भाई साहब,
मोहम्मद साहब हैं और चल रहे हैं भाई अभी यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास है झील, तो पहुँचते हैं भाई झील का भी नज़ारा देखते हैं। और हाँ भाई आगे भी हमारा ही है भाई, ये जितना आपको दिख रहा है ना काफिला, ये काफिला हमारा जा रहा है। हाँ ये वाला काफिला भी भाई हमारा ही है, ये देखो एक इधर से बंगाल साइड से है, एक एक दूसरा भाई देखो। ऐसे ही भाई दोस्त बनते रहते हैं और अपना काफिला ऐसे ही भाई हर कंट्री के अंदर चलता रहेगा। मे बी बांग्लादेश के बाद और भी नई नई कंट्री आए क्योंकि मेरे को इधर मजे आ रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा। भाई को हिंदी पूरी समझ आती है, जस्ट स्पीक करते वक्त बोलते वक्त थोड़ा अटक जाते हैं, जैसे कि मैं इंग्लिश में अटक जाता हूँ। सेम है, मैं भी इंग्लिश में अटक जाता हूँ। हाँ अभी तो टूरिस्टिक जैसे इंडिया में काफी प्लेसेस को कर दिया है। सो भाई अभी हम लोग यहाँ पर उतर गए हैं और अपने रिक्शा से, ये भाई इधर की ऑथेंटिक कोई डिश है, क्या नाम है इसका? भाकर, ये तो गुजराती नाम जैसा है, गुजराती जैसा है, भाकरवाड़ी जैसा है, बड़े डिफरेंट है। 7% की है ये, नमकीन है और वो मीठी है। बिल्कुल भाई टेस्ट ऐसा जैसे पपड़ी खा रहे, पपड़ी को क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं पपड़ी टाइप का ये, और इसके अंदर बनाते हैं, इसमें भट्टी टाइप का ही बनता है ये, भट्टी है इसके अंदर, ये चिपका चिपका के ही बनाते होंगे। ओके भाई, भाई हाथीर झील के बिल्कुल एंट्रेंस पे आ गए, यहाँ से हाथीर झील में भी 50 से 100 मीटर के आसपास में भी होगा ना। और भाई इधर जाम देखो, अगर टाइम भाई मैंने कितनी बार तो टाइम बता दिया, 11 से ऊपर ही टाइम हो गया है। ट्रैफिक भाई चेक करो कितना यहाँ पर अभी भी। ये इस साइड देखोगे तो ये झील है, सामने भाई इसमें ब्रिज है भाई, इसका भाई ब्रिज का जो डिज़ाइन ही भाई इतना खतरनाक सा लग रहा है, देखो क्या खूबसूरत बना हुआ है। और बेसिकली भाई बता रहे हैं कि ये झील कम और गटर ज़्यादा है क्योंकि इसको बस मॉडिफाई कराया हुआ है। मॉडिफाई मतलब इसको खूबसूरत बनाया हुआ है, बट पता नहीं कितना सच है कितना नहीं भाई। लेकिन यहाँ व्यू चेक करो यार, तो ये है भाई इस झील के ऊपर बना हुआ एक ब्रिज, जिसके ऊपर से भाई कार हो गई, बाइक हो गई, अपनी बसेस वगैरह जो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो क्रॉस करता है। और उस साइड देखो भाई, और आप भाई सोचो कि रात के भाई 11 बज रहे हैं, अगर नहीं विश्वास तो मैं दिखा दूँ, 11 बजे भाई बांग्लादेश का जो नाइट लाइफ है भाई ऐसा कुछ दिखता भाई। काफ़ी लोग अभी सिटी के अंदर भाई ऐसे घूम रहे हैं मस्त, जैसे मुंबई में घूमते हैं, मुंबई दिल्ली के अंदर, दिल्ली में तो इतने नहीं घूमते होंगे बट भाई मुंबई के अंदर तो ऐसे ही है। और ये देखो भाई, हाँ हाँ लाइटनिंग फुल है इधर, व्यू एक नंबर है। अच्छा एक उस साइड भी ब्रिज बना हुआ है, वो मे भी ट्रेन का है कि वो भी ऐसे ही है, सेम ही है, वो भी ट्रेन का है कि? बहुत सेम है। अच्छा भाई एकदम टूरिस्टिक सा स्पॉट बना हुआ है। और भाई कंट्री काफ़ी ओपन माइंडेड है, आपको काफ़ी सारे कपल्स हैं वो आपको दिखने को मिल जाएंगे, बेशक रात हो या सुबह, आपको काफ़ी ओपन माइंडेड इधर पीपल, मतलब इतने भी नहीं है बट हाँ 50-50 चांसेस हैं कि मिलेंगे भाई। अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, वो ब्रिज से भाई कम दिखा था देखने को, मतलब वो लाइन थी वो समझ में नहीं आ रही थी। अभी भाई 2 मिनट रुकना, जूम करता हूँ, अब चेक करो भाई, ये कौन कहेगा ये नीचे गटर है और ऊपर इतनी अच्छी अच्छी लाइट लगा के रखी है, सही है ना, गटरी है ना। हाँ ये देखो बदबू आ रही है लगी भाई, बट रात में कुछ नहीं समझ में आती। और इधर देखो भाई पूरा ऐसे ग्रीन ग्रीन लाइट है, और इधर ऐसा सीन है, और इधर की साइड देखोगे तो ऐसा लगेगा मुंबई की मरीन ड्राइव चल रही है भाई, अलग ही सिस्टम है। बस हाँ ये है कि इधर की साइड बिल्डिंग्स ज़्यादा नहीं है, वो सामने उधर है भाई, वो दो तीन बिल्डिंग उधर की साइड है। ये देखो ZT आपको सामने दिख रही होंगी, यहाँ पर क्या है, ये वाली ZT है, FDC ZT। तो यहाँ से आप लोग भाई बोट लेके ना इस लेक के अंदर, ये वाली जो लेक है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ तब से, तो आप लोग यहाँ से बोट लेके ना कहीं पर भी भाई ट्रैवल कर सकते हो जहाँ तक ये झील फैली हुई है, आप लोग चेक करोगे यहाँ पर। और ये देखो भाई ये शेयरिंग के लिए, अगर मैं इसका आपको प्राइस दिखाऊँ तो प्राइस भाई इधर लिखा हुआ है,
तो ये 40% और 25-25% लिखा हुआ है, ये देखो ये 40 बताया मेरे को, बट बंगाली के अंदर 80, हिंदी में तो 80 जैसा लग रहा है, ये 25 ये 80 जैसा लग रहा है, बट ये 40% लिखा हुआ आई थिंक, अगर मैं गलत हूँ तो जो बंगाली बंदे हैं वो मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा है। और अभी चलते हैं भाई और थोड़ा बहुत ट्रैवल करते हैं, यहाँ पर पता नहीं और क्या क्या है, एग्जैक्टली भी देखने को मिल गई। मेरा वैसे प्लान था कल गुलशन जाना है, तो गुलशन हम लोग यहाँ से क्यों नहीं निकल जाएं, बट यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि हमको बहुत घूम के आना पड़ेगा, तो हम लोग क्या है अपना आगे दूसरे से चलेंगे, चलें क्या? हाँ ओके। सुबह 12 बज गए हैं और झील साइड में मैंने सोचा यार हम लोग चेस खेल लिए जाए। अब आप सोच रहे हो चेस कहाँ खेलोगे, ये मैंने भाई इधर ना गवर्नमेंट से जो बांग्लादेश की उनसे ऑर्डर किया था, तो उन्होंने ये मेरे लिए एक टेबल लगवा दिया इधर तो ये भी लगाए और बाप की काफ़ी सारे लगाए क्योंकि हमारे जैसे बांग्लादेश के लोकल फ्रेंड्स वगैरह हैं, बांग्लादेश के नहीं ये तो है ही इंडियन है, ये बांग्लादेश का हमारा होस्ट है लोकल निकल गया, 5-4 साल तो हो गए आपको, काफ़ी सारे हैं भाई। अगर आप लोग वैसे मजाक से हटके आप लोग आते हो तो काफ़ी भाई इधर गेम वेम खेलने के लिए सीन बना हुआ है, मे बी इंडिया के अंदर भी ऐसा हो बट मेरे को नहीं पता यार, मैंने देखा नहीं है। यहाँ पर तो भाई ऐसे काफ़ी जगह पर है, हर जगह पर है। देखो भाई ये खेल रहे हैं भाई, सामने देखो चेस चल रहा है इधर, काफ़ी लोग हैं भाई उधर भी। बाय, मिलेंगे फिर है। सो भाई अभी हमने रिक्शा कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं वापस अपने होस्ट के घर पे। ये हमारा होस्ट, धन्यवाद हाँ होस्ट करने के लिए, भाई हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं, खुद स्टूडेंट हैं और भाई रिक्शा का भाड़ा इसने उन्हें दिया काफ़ी कुछ। मैंने बहुत रजिस्ट किया कि भाई मत दो यार, बट भाई बांग्लादेश के लोग भाई काफ़ी अच्छे हैं यार, जितने भी अभी तक मेरे को लोग मिले हैं ना भाई वो सारे के सारे भाई एक नंबर बंदे मिले हैं। और अभी जो मेरे को बंदे मिले थे वो इंडियन थे, उनके वजह से हम लोगों ने ट्रैवल कर ली। मे बी अपन ट्रैवल नहीं करते ना अगर वो नहीं आते तो, हम लोग बस वो मार्केट में वो खाना आना स्ट्रीट फूड पे खाते फॉर टुमारो नॉट फॉर टुडे, बट वी स्टिल लुक अप टू द अदर एरिया, पाथिर जिले एरिया। अभी हमारा प्लान था कि सुबह उठ के 6 बजे हम लोग निकलेंगे भाई ट्रैवल करने के लिए, अभी 12 बज गए, ये देखो भाई 12 बजने वाले हैं यार, और अभी सुबह का कुछ अता पता नहीं है कि उठ भी पाएंगे क्या नहीं। बाकी चलो भाई, होप करता हूँ आपको आज की वीडियो या ब्लॉग भाई पसंद आया होगा, जितना भी नाइट आउट हमने किया, नाइट आउट क्या भाई, जितना भी ट्रैवल किया नाइट में, नाइट लाइफ दिखाई है आपको ढाका सिटी की, अच्छी लगी होगी। और भाई आप भी बाय बोलो, बाय बाय, भाई ने बाय बोल दिया, सी यू भाई। अभी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर मिलते हैं भाई सुबह, इन्हीं के साथ ट्रैवल करेंगे सुबह भी। भाई रात के 12 बजे हम लोग घूम रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा डर भी लग रहा है बट इतना डर नहीं लग रहा जितना लगना चाहिए, बस फोन थोड़ा टाइट पकड़ना पड़ रहा है, तो मे बी रात के वक्त कोई भी भाई छीन के भग जाए। बट भाई रात के 12 बजे भी भाई काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है यार ढाका सिटी के अंदर, ये देखो